बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक की टीम पहुंची है आज मेवात के पुनाना विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी और सब्जी मंडी के अंदर। दोस्तों यहाँ पर इतनी गंदगी नज़र आ रही है, सभी आढ़तियाँ इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं गंदगी से, और ग्राहकों के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पर न कोई टॉयलेट है, न कोई बिजली की सुविधा है, न कोई पानी की सुविधा है। गंदगी का तो इतना बुरा हाल है कि सब्जी मंडी बिल्कुल कूढ़ी में तब्दील हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है ग्रामीणों का कहना और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही रही है। उस लापरवाही के चलते इस मंडी का इतना बुरा हाल है, जहां यहां ग्रामीणों का और शहरवासियों का, आढ़तियों का यह आरोप है कि जहां सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, वहीं ये सिर्फ जुमला बन के रह चुका है और स्वच्छ भारत देखने को नहीं बल्कि कहने को ही रह गया है। करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। स्वच्छ भारत सिर्फ कह सकते हैं लेकिन करके अभी तक नहीं दिखाया है। जिस तरीके से पुनाने की अनाज मंडी में गंदगी नज़र आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ी का ढेर नज़र आ रहा है। उस बदबू से लोग बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ पे न ही विधायक का ध्यान है, न ही किसी और सरकार के नुमाइंदे का ध्यान यहाँ पे गया है। क्योंकि वैसे बहुत सारी रैलियाँ इस मंडी के अंदर की जाती हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस मंडी की तरफ किसी नेता का ध्यान नहीं गया है। तो यहाँ ग्रामीणों का और शहरवासियों का यह आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पे स्वच्छ भारत के अंदर इतनी गंदगी नज़र आ रही है, और वो संदेश देना चाहते हैं मेवात आज तक के माध्यम से सरकार के लिए कि जल्द से जल्द इस अनाज मंडी और सब्जी मंडी की सफाई कराई जाए, इसमें बिजली की पानी की व्यवस्था की। प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पे स्वच्छ भारत के अंदर इतनी गंदगी नज़र आ रही है, और वो संदेश देना चाहते हैं मेवात आज तक के माध्यम से सरकार के लिए कि जल्द से जल्द इस अनाज मंडी और सब्जी मंडी की सफाई कराई जाए, इसमें बिजली की पानी की व्यवस्था की जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज जिस जगह हम पहुंचे हैं, ये सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है पुनाना की। यहाँ पे जो सब्जी मंडी है बिल्कुल एक कूड़ी के ढेर में तब्दील हो चुकी है, और यहाँ पे मैं आपको रूबरू कराता हूँ यहाँ के जो मंडी वाले हैं क्या कहते हैं इसके बारे में। बहुत परेशान है यहाँ की जनता इस गंदगी से। यहाँ पे ना कोई विधायक का ध्यान है, ना कोई चेयरमैन का ध्यान है, ना ही सरकार का प्रशासन का यहाँ पे कोई ध्यान है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि बिल्कुल कूड़ी में तब्दील हो चुकी है मंडी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जी मेवात आज तक में। जी क्या कहना चाहते हैं इस मंडी के बारे में? जी हमारी सब्जी मंडी में कोई सफाई नहीं हो रही। जी क्यों नहीं हो रही है? ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई सरकार सुनने के लिए इच्छुक है। जी नहीं सर, जैसे भाजपा सरकार का नारा है स्वच्छ अभियान, उसके बावजूद ये मंडी तो कूड़ी बनी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बनी हुई है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया और नहीं आज तक कोई सफाई हुई है इसमें, और ये शौचालय बन गया, शौचालय बने इसको 8 साल हो गई, ना आज तक कोई शौचालय में कोई काम है, ना कुछ है, ना पानी है, बिल्कुल बंद है ढावा। और हमारे जितने भी किसान लोग, व्यापारी लोग बाहर भीतर से आते हैं, सारे परेशान रहते हैं, इधर को बोतल ले लेके भागते हैं, इधर को भागते हैं, मतलब सुबह 7 बजे तक हमारे व्यापारी लोग परेशान होते हैं इससे, शौचालय से भी आज तक ये चालू नहीं है, और गंदगी से इतने परेशान हैं, गंदगी से आज तक मतलब बात ही, हम इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं मार्केट कमेटी में, आज तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। नहीं, आपने जिस तरीके से चेयरमैन भी है, विधायक भी है, तो उनसे इसके बारे में जानकारी नहीं दी आपने, किस तरीके से जानकारी दे दी? जी हमने आज तक कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं भाई? हम तो यही कहना चाहते हैं, एक गानों वे भाजपा सरकार ये है कि सफाई अभियान करानी चाहती है, और एक साइड में ये है कि मतलब ये गंदगी आप दिख रही है, ये चलते फिरते जो बंद हैं, हर इंसान को परेशानी है, और हर जो मंडी वाले इसमें बैठे हैं बेचारे, ये हर बीमार, कोई बीमार पड़ रहा है, और हर आरती जितने भी है बंद, तो पेशाब कर दिए, शौचालय बना रखा है इसमें सामने, और इसमें आज तक भी कोई एक बन गए चालू तो नहीं कराया जानना सी, बना तो दिया लेकिन आज तक इसका गेट नहीं खुला। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से चाहता हूँ सफाई होनी चाहिए। मैं विकलांग आदमी हूँ, मुझे बुखार हो गया, मेरी दुकान रहती है और बदबू आती है, और न यहाँ पानी मिलता है, ना लैट्रिन के लिए जगह है, कुछ ही नहीं है। ताऊजी खट्टर तो कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है ये सरकार, बहुत नीचे के टाइम जा रही है। और क्या कहना चाहते हो? सफाई कराई जाए जी, बहुत बुरी गंदगी है हाल।
अरशद भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि हल्की सी बारिश में भी यहाँ मतलब आना मुश्किल हो जाता है और कस्टमर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, इनके लिए तो परेशानी है ही है यहाँ, मतलब 12-13 घंटा अपना बिताते हैं, कस्टमर के लिए भी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मतलब निकलना मुश्किल हो जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी गंदगी हो रही है यहाँ। अरशद भाई हमारी मतलब बात ये सफाई कराई जाए और ये हमारा शौचालय चालू कराया जाए, एक ही लाइट चालू और एक हमारी टावर लाइट के टावर है ये चालू कराया जाए, ये पानी भी नहीं है और पानी भी नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सिविर लाइन खुदी हुई है डली हुई है लेकिन वो चालू नहीं है आज तक, भी वो भी बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी।